अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें सुबह सुबह बाइक धोना पड़ा क्योंकि कल हम गए थे शादी पे, कीचड़ बहुत था, तो उसकी वजह से अभी सुबह सुबह बाइक धोना पड़ा है। अब्बू को ड्यूटी पे जाना है तो इसलिए बाइक धोया है, फिर बेंसू को बाहर निकाला है। तो अभी हम सफाई करेंगे इधर की, ताकि फिर आगे हम सीधे वीडियो बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, अभी आ चुके हैं, इधर कमरे की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद मिलता हूँ। तो अभी मैं बनाने लगा हूँ चाय। इधर अंडे उबलने के लिए रखे हुए हैं, इधर अंडे उबल रहे हैं। तो इस साइड पे हमने चाय बनानी है। अभी इसको नीचे रख देते हैं और चाय वाला बर्तन है उसे ऊपर रख दिया, ये हमने रख दिया। ये पुरानी चाय पड़ी हुई है, इसमें पानी डालना है। तो दूध डालेंगे, इधर दूध रखा हुआ है, ये दूध है। और फिर बनाते हैं चाय। अभी मैंने ये पानी लाया, पानी डालेंगे। देखिए इसमें पहले की चाय पड़ी है। और ये सिलेंडर है जो ये भी ऑन कर दिया। सिलेंडर का चूल्हा है, चूल्हा। और ये अंडे लगता है उबल गए हैं। तो अभी करता हूँ इसको बंद, ये बहुत गंदा हो चुका है। कोई नहीं, अभी ये चाय पकानी है, अभी बनानी है। तो इसको करते हैं पीछे। और ये पत्ती है, और ये चीनी पड़ी है, दानों को उठा दिया। अभी चाय बना लेते हैं पहले। तो फाइनली गाइस, अभी हम आ गए मुर्गी वाली साइड पे। जा मुर्गी ने अंडा दिया है, अंडा उठा लेते हैं। बल्कि अभी इधर बैठी हुई है मुर्गी, ये भी बैठने के इरादे पे। तो अभी हम इन चीज़ों को करते हैं, इन्हें डालते हैं दाना। इसमें गंदम वाले दाने पड़े हुए भाई, ये हमारी जो कुकड़ी है वो लड़ पड़ी है आपस में, इसलिए इसको खोले। वो नीचे एक अंडा दे दिया, नीचे पड़ा हुआ लड़ पड़ी थी, इसलिए इनको निकाला इधर से एक। तो अभी जो इसमें बाजरा पड़ा हुआ है, इनको बाजरा डालना, तो इसलिए इनको खोलते हैं। अभी इनको इधर बाजरा डाला है, तो इनके लिए पानी लाऊंगा। अभी ये फिर जा रही है, फिर आपस में लड़ेंगे। तो पानी लाता हूँ। ये बीमार चूचा हो गया, बीमार है आज भी, इसका टांग का मसला हल ही नहीं हो रहा। पानी इनको डालता हूँ।
गाइस इनको भी दावल गया गया और इनको भी जो चेहरा है वो डाला गया है, वो ये होते हैं को होते हैं ना हमारी साइड पे वो लगाते हैं इनको। और इधर जो गाइस हैं ना उनको भी हमने अभी गितावा लगाया, ये दानू खा रही है इस टॉप के अंदर। तो माशाल्लाह बारिश का मौसम आज फिर बना हुआ है, क्या पता हो सकता है बारिश हो ही जाए। तो अभी गंदम में जो दाना है वो बन रहा है, तो इसलिए बारिशें ये इन दानों के लिए बहुत मुफीद हैं। इसमें जो दाना होता है ना वो बहुत बेहतरीन हो जाता है बारिश की वजह से। तो मज़ीद ये कि इस साइड पे जो है वो नदी वगैरह है ना, तो इस साइड पे ये नदी वगैरह है, वो सामने स्कूल है और ये रास्ता जाता है दूसरी साइड पे। इस साइड पे आगे गार्डन एक विलेज है, उधर ये रास्ता जाता है नीचे से। तो बहुत ही प्यारा एरिया हो गया। तो अभी ये किसी की भैंसियाँ आ रही हैं, इनको मैं भगाता हूँ। फाइनली गाइस अभी हो सकता है मैं जाऊँ चारा काटने, तो जारी बात है बेचारना काटना पड़ेगा, लेकिन मौसम ऐसा है तो इसलिए कल दिल कर रहा है कि ले ही आए। तो अभी इधर पीछे बाहर इधर बंदी थी, ये भी सफाई कर रही है, तो देखते हैं। मैंने फीड इधर बाजरा चूजू को डाला था लेकिन ये खा रहे हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। अभी ये मुर्गी उठ के गया, अंडे मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। अभी अंडे इन्होंने दिए थे, आपस में लड़ रही थी लेकिन अंडे दे दिए ने, तो ये ले चलता हूँ मैं, रख देता हूँ अंदर। बिस्मिल्लाह, अभी ये मैंने इधर रख दिए अंडे फ्रिज के अंदर। फाइनली गाइस ये मैंने सुबह लाया था अपनी बकरियों के लिए, तो अभी मैं ये रस्सी निकालूंगा क्योंकि चारा लाना है, तो रस्सी निकाल लिए इसको पहले। और ये हमारी दरांती पड़ी है, इसे भी उठा लेना। और शेड को करते हैं बंद, तो अभी चलते हैं चारा में। क्या हुआ है? तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ चारे के लिए। तो दोस्तों अभी हमने ये घर को डाला को थकवाया नहीं था चुका है, अभी ये इसका लगता है पेट फुल हो गया, तो दूसरी वो सामने है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पर सबसे पहले मैं जो है वो चारा लाऊँगा, उसके बाद आके इनको पानी वगैरह देना है क्योंकि मौसम अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। बारिश वाला बन रहा था लेकिन अभी लगता है बारिश आज ना ही हो, और आज PSL का फाइनल भी है, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान है, तो इंशाल्लाह हम लाहौर के साथ हैं इस टाइम, तो देखिए आगे मैच में क्या होता है। तो बाकी खैर आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो ये जो है हमारा इधर घर के पास एक कब्रिस्तान है, जो हमारा कब्रिस्तान है वो दूसरी साइड पर है, लेकिन ये भी हमारे घर के पास है। तो इसमें काफ़ी पुरानी पुरानी कब्रें भी हैं, ये वाली जो कब्र हैं ये बहुत पुरानी पुरानी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो मिलता हूँ चारा काटने के बाद, फिर उठा लाना है, फिर घर आना है, रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर पानी दिया जाएगा जानवरों को। तो रखते हैं वीडियो को यहीं, ताकि
तो दोस्तों अभी हमने ये चारा लिया है, ये चारा लाया और अभी मैं जो बकरियों को वो डाल रहा हूँ को वगैरह लगाते हैं। अभी हमने को वगैरह इनको लगा दिए, वही दिखाते हैं आपको पीछे से। तो अभी हम अपने गाय भैंसों को पानी दे रहे हैं। सबसे पहले ये मैंने इसको पानी रखा है अभी, और ये वाला जो है वो दूसरी को रखता हूँ। मैंने इसको रख दिया और ये गाय जो है वो पी नहीं रही है, मुझे नहीं पता क्या मसला है सभी। तो ये वाला अभी ये वाला दूसरी गाय को दूँ, अभी नीचे फिर उसको चारा डालेंगे। तो इसको हमने दे दिया है अभी पानी, ये पानी पी रही है। तो ये भी इसके पास आ रही है, तो अभी हम उनको करेंगे चारा जो अभी काट के लाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें डाला था कि शायद पानी के लिए कर रही हैं, लेकिन इन्हें भी देंगे पानी। तो पहले देते हैं चारा। ये कल वाला कटा हुआ पड़ा है, तो ये वाला हम देंगे गाय को। ये चारा लेके जा रहा हूँ गाय को देने के लिए। तो अभी इसने जो पानी हुआ है गिरा दिया है, तो अभी हम इसको एक साइड पे चारा डाल दें साफ जगह पे। तो अभी ये दोनों चारा खा लें, इसने पानी गिरा दिया कोई बात नहीं। अभी मैंने इसकी रस्सी थोड़ी सी बारीक की है, क्योंकि ये खुश्क जगह पे इसको चारा डालना है इसलिए। तो अब ये पानी देंगे अपनी बकरियों को। तो सबसे पहले इसको देता हूँ, अब इजोर का टाइम हो गया। नहीं पी रही,
थोड़ा थोड़ा पी रही है पानी, क्योंकि ठंड है ना, थोड़ा थोड़ा पीती है जो भी पी रही। तो पानी पी, अभी नहीं पानी पिया इन्होंने, तो शायद कोई बात नहीं। पिए पानी हमने चागी को डालना, इसको डालना, बर्तन साफ। अभी ये आ गया दिन का खाना, इसमें आलू और टिंडे, और इधर हॉट पॉट के अंदर रोटी पड़ी हुई है, और साथ में पानी रखा हुआ है। तो आलू और टिंडों से करना है। सबसे पहले हम दिन का खाना खा लें, फिर भाग नहीं मिलता। मटर हैं, इनको एक बार बड़े में इनको इधर से निकालना है बीज में से, और इसको स्टोर कर देना है। गाइस अभी जो मौसम है वो धूप वाला हो गया, अभी धूप निकली है लेकिन उतनी नहीं निकली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी काफ़ी हो गया है इन वजह से, बारिश की वजह से। तो अभी देखिए कितना प्यारा मौसम पीछे लग रहा है, धूप निकली है, बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं। तो आज यहाँ पे व्लॉग को करते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।